फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी की टुडे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बात करेंगे क्या ये शेयर यहाँ पे मल्टीवैगर बन के साबित हो सकता है या फिर नहीं। आज के दिन एक बहुत बड़ी तेजी 20% के साथ यहाँ पे अप मोमेंटम देखने को मिला है। बहुत बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आज के दिन देखने को मिला है। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर। सुबह से ही मार्केट में तेज रहा सुजलोन एनर्जी। एंड यदि आप देखें तो सुबह स्टार्टिंग में ही 10 बजे इसमें अपर सर्किट लग गया था। एंड जो अपर सर्किट इसका रहा है वो 20% के अराउंड का देखने को मिला है। लेकिन यदि आप देखें कहीं ना कहीं बीच में ट्रेडिंग टाइम पे 11 बजे यहाँ पे 10 रुपए तक भी आया था। देन फिर वहां से फिर से इसने एक तेजी ली एंड फिर पूरे दिन भर यहाँ पे अपर सर्किट में रहा है। यदि आप इस तेजी देखें तो लगभग यहाँ पे आप बोल सकते हैं 3 से 3.5 घंटे लगातार अपर सर्किट में रहना इसके लिए। आगे भी ये तेजी कंटिन्यू रखने की यहाँ पे इंडिकेशन जरूर बना के दे रहा है। साथ साथ यदि आप इसका 52 वीक लो देखें तो वो 5.90 रुपए के अराउंड का रहने वाला है। देन अभी एक अच्छे हाई के साथ, अभी एक अच्छे अपर सर्किट के साथ ये एक अच्छे प्राइस पर 10.55 रुपए के अराउंड पहुंच चुका है। यदि आप इसका 52 वीक हाई देखें तो वो कहीं ना कहीं 13.10 रुपए है। तो वो अभी भी काफ़ी दूर है, वहाँ तक भी ये शेयर बिल्कुल जा सकता है, कैपेबल है। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको ये मल्टीवैगर करने को कहा था एंड बताए थे आपको 2025 तक के इसके लेटेस्ट टारगेट। तो वो आपने नहीं देखे तो आप लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है सबसे पहले आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट, ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। एंड फर्स्ट यदि आप यहाँ पर देखें तो जो सेक्टर का पी चल रहा है, मतलब सुजलोन एनर्जी जिस सेक्टर में काम करता है वो सेक्टर है वाइंड एनर्जी सेक्टर। तो वाइन एनर्जी पूरे सेक्टर का जो पी चल रहा है वो 23.5 बन चल रहा है। वाइन के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ी सा अच्छा पी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब भी पी 15 से नीचे रहता है तब वहां पे हम एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। बट यदि आप इस पर्टिकुलर शेयर का पी देखें तो वो यहाँ पे पीवी देसी हो तो यहाँ पे 0.00 बताया गया, लेकिन इस जो पर्टिकुलर शेयर का पी था वो कल तक यहाँ पे 13 था। तो बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा रहा था, लेकिन यदि आज के दिन देखें तो पी यहाँ पे चेंज होने को जरूर दिखा होगा, क्योंकि आज के दिन जो तेजी देखने को मिली वो यहाँ पे आप बोल सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल थी, क्योंकि वो यहाँ पे किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं की थी कि सुजलोन एनर्जी 20% का अपर सर्किट लगा सकता है। साथ साथ यदि आप बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू जरूर यहाँ पे माइनस में, थोड़ी सी नेगेटिविटी जरूर रह सकती है, लेकिन दो की फेस वैल्यू के साथ शेयर काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है। उसके साथ यदि आप इसका आज का वॉल्यूम चेक करें तो 56 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम आज के दिन सामने देखने को मिला, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। उसके साथ यदि आप डिलीवरी परसेंटेज देखें तो 26 करोड़ शेयरों की डिलीवरी आज के दिन एक बहुत बड़े पैमाने पर उठा ली गई है, 46% के अराउंड की डिलीवरी इसमें एक बहुत बड़ी तेजी की तरफ इंडिकेशन दे रही है। क्योंकि यदि आप लास्ट इन टाइम पे देखें जो इसका वॉल्यूम आते थे, मतलब जो इसके वॉल्यूम आते थे 26 करोड़ 15 करोड़, उतना तो आज के दिन यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज डिलीवरी बेसिस डिलीवरी यहाँ पे उठा ली गई थी। बहुत बड़ी तेजी आने वाले समय में आपको सुजलोन एनर्जी में और भी दिखाई दे सकते हैं। ये तेजी यहाँ पे कंटिन्यू होने के चांस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 3 घंटे में ये जो पर्टिकुलर शेयर है आज के दिन अपर सर्किट में देखने को मिला है। फॉरम सेंटीमीटर में यदि एक स्थिति इसकी चेक करें तो अभी हम यहाँ पे फॉरम सेंटीमीटर पे आ चुके हैं। 82% जो लोग बाग हैं वो अभी यहाँ पे वाइंग की अपॉर्चुनिटी की सलाह दे रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे जो 5% लोग हैं वो यहाँ पे होल्डिंग की बोल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा परसेंटेज वाइज 82% के अराउंड का यहाँ पे इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे वाई कर सकते हैं। साथ साथ यदि इसके टारगेट देखें तो अभी कुछ समय तक के इसके जो टारगेट है, इसी मंथ तक के टारगेट 12 से 13 रुपए के टारगेट यहाँ पे मार्केट में लिए जा रहे हैं। बकाया आपका इस शेयर के बारे में क्या मानना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।